वेलकम स्टूडेंट्स, सब तो पहला आप सबनों मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। हाँ जी, अज्जे इस वीडियो दे विच असी सैवनथ क्लास का जिहड़ा सिक्सथ चैप्टर है जो ट्राइंगल्स यानी कि त्रिभुजा उसकी फस्ट एक्सरसाइज है जो 6.1 उसके क्वेश्चन करांगे सोल्व। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ जी, इन ट्राइंगल ए बी सी अपने को एक त्रिभुज ए बी सी दिती हुई है। पी इज़ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। बी सी है जी मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु है पी। मध्य बिंदु का मतलब जोड़ा यह पी है वह बी सी दो बराबर भागों में वंडद, यानी कि बी तो पी तक जिनी दूरी है उन्नी ही दूरी पी तो लैके सी तक है। तो फिर अगे देखते हैं, अगे कहता फिर बी पी कि बराबर होएगा। हाँ जी, जिमें हमने ही आप गल की है कि पी मध्य बिंदु है तो बी पी तो पी सी बराबर हो गए, सो इतें आ जाएगा अपने कोल पी सी। अगे सैकेंड है ए पी इज़ अ डैश ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल दे विच कहिंदा ए पी की चीज़ है। हाँ जी, हुण जदों किसी भी ट्राइंगल दे विच किसी एक सिखर नूं यानी कि वर्टैक्स नूं सामणी जिहड़ी उहदे सामणे ओपोजिट साइड है उसके मध्य बिंदु यानी कि मिड पॉइंट दे नाल कोई लाइन जिहड़ी मिलांदी है उस लाइन नूं कहा जांदा है मध्यिका यानी कि मीडियन। सो इहदा मतलब कि इत्थे ए पी है जिहड़ा वह की होएगा एक मध्यिका यानी कि मीडियन, एम ई डी आई ए एन पंजाबी दे विच मध्यिका। अगे थर्ड ते आने एंगल ए डी सी। ए डी सी आ एंगल कहिंदा कितना होएगा। हाँ जी, हुण जेकर किसी ट्राइंगल दे विच अपने कोल आ जिवें ए डी लाइन है, ये एक पासे आह 90 डिग्री का एंगल है तो दूजे पासे भी 90 का कोण ही होगा। दोने कट्ठे कोण इस तरह होण तां उहनां चों एक 90 का तो दूसरा भी 90 का 90 डिग्री का ही होएगा। सो ये होएगा 90 डिग्री। उस तो बाद कहिंदा बी डी ते बी सी इक्वल ने, बी तो लैके डी तक कहिंदा जिन्ना है उन्ना ही डी तो सी तक है। नहीं जी, ये तो गलत है। अपने कोल आपां नूं पता है बी तो पी तक ते पी तो सी तक ये बराबर ने। सो ए वाला हो गया अपने कोल फॉल्स यानी कि झूठ। अगे ए डी इज़ एन डैश ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ए डी ए है जिहड़ा वह इस ट्राइंगल ए बी सी दे विच की चीज़ है। हाँ जी, जदों किसी ट्राइंगल दे विच एक सिखर तो सामने वाली साइड के उत्ते इस तरह लाइन खिंचीए तो वह जिहड़ी लाइन है वह सामने वाली साइड के नाल 90 का एंगल बनावे तो इनू बोलिया जाता होंगे सिखर लंब। सिखर लंब यानी कि ऑल्टीट्यूड, ए एल टी आई टी यू डी ई। सो ये आएगा सिखर लंब यानी कि ऑल्टीट्यूड। सो ए एल टी आई टी यू डी ई सिखर लंब पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट्स इसका आंसर लिख देंगे। हाँ जी, सैकेंड क्वेश्चन पर आने। सैकेंड क्वेश्चन के कह रहे हैं कि ड्रॉ ए डी बी ई सी एफ थ्री मीडियनज इन अ ट्राइंगल ए बी सी। कहिंदा कोई त्रिभुज ए बी सी लैके उहदे विच तीन मीडियन यानी कि तीन मध्यिकावां दिखाणियां ने आपां। सो इहदे लई तुसीं अपने कोलों कोई भी एक ट्राइंगल बना सकते हो, इस तरह कोई भी त्रिभुज बना लेनी है ए बी सी। ते हुण बी सी का जिहड़ा मध्य बिंदु होएगा वह लै लेना है, इधर ए सी का जिहड़ा मध्य बिंदु होएगा बिल्कुल सेंटर च होएगा, इधरों ए बी का मध्य बिंदु इस तरह। हुण ए नूं ए तीन मध्य बिंदु आपां उन्होंने ए डी बी ई ते सी एफ कहे ने, सो इत्थे एफ आएगा। ए नूं डी नाल मिला देंगे आ एक मध्यिका हो जाएगी, फिर वह बी ई कह रहा है तो बी नूं आपां ई दे नाल मिला देंगे इत्थों, इन्हां दोनों नूं आपस च मिला देंगे, ये दूजी मध्यिका हो जाएगी। तो सी एफ होएगी तीजी मध्यिका, सी नूं एफ नाल मिलावांगे, ये तीनों आपस दे विच एक बिंदु ते मिलणगे। सो इत्थे कॉमन होएगा इन्हां दा पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन। हाँ जी, सो इहदे नाल इहदा बी ए पार्ट है जिहड़ा वह कंप्लीट हो जाएगा। फिर कह रहे हैं ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल हुंदी है सम भुजी त्रिभुज एंड इट्स मीडियनज ऑलसो कंपेयर द लेंथस ऑफ मीडियनज। हाँ जी, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं अपने को तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए ने, उहदे लई तुसीं प्रकार ते पेंसिल की हैल्प लै सकते हो, ज़्यादा ईजी रहेगा। थले मान लो कोई एक पर्टिकुलर लेंथ की साइड लै ली,
पांच सेंटीमीटर की साइड लै लो, चाहे चार दी लै लो, छे दी लै लो, फिर प्रकार लैके इत्थे रख के इन्नी खोल लेनी है प्रकार, तां तुसी चाप लगाओगे इस तरह चाप लग जाएगी। फिर प्रकार नूं इत्थों मान लो यह ए है, यह बी है, प्रकार नूं ए तो चक के बी ते रख के कंपस नूं इन्नी खोल लेनी है, इन्नी खुली रखनी है, वधानी घटानी नहीं। एक होर आर्क लगाओगे इस तरह कट जाएगियां, फिर आ जिथे आपस कटदियां ने उहनूं तुसी ए नाल मिला दोगे स्केल की हैल्प दे नाल, ते इधरों उहनूं बी नाल मिला दोगे, तां ए तीनों आपस दे विच बराबर हो जाएगियां। ये बन जाएगी इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि समद्विभुजी त्रिभुज। इत्थे कोई आपां नाम इत्थे सी रख दिंदे आ। फिर वह कहिंदा कि उहदे मीडियन ड्रॉ करने ने, हाँ जी, हुण इहदे मीडियन ड्रॉ करदे आ। इधर पांच पांच का अद्ध हो जाएगा 2.5, सो इतों जोड़ा मीडियन आएगा इस तरह बिल्कुल सीधी लाइन होएगी, तो 90 का एंगल भी बनाएगा। इस तरह दूजे पासे मध्य बिंदु के नाल जॉइन कर देंगे, वह भी दोनों पासे 90 का एंगल बनाएगा, तो तीजे इधर मध्य बिंदु लैके वो मिला देंगे, तो उन्होंने बी नाल मिलावे, तो यह अपने को तीन मीडियन यानी कि तीन मध्यिकावान बन जाएगियां इस त्रिभुज द। तो इन्हों की जी लंबाई है वह तुम उन्होंने कंपेयर करने लिए कही है, इन्हों तिना की लंबाई मापोगे तो वह बराबर आऊगी। सो इतें लिख देंगे मापण मापण तो इन्हों कोई नाम दे दें, ए बी सी तो हो गया, डी ई तो इतने रख लें, एफ मापण तो ए डी बराबर बी ई बराबर सी एफ, ये तीनों बराबर आएंगे मापण तो, यानी कि ऑन मैजरिंग एम ई एस यू आर आई एन जी ऑन मैजरिंग, ये तीनों आपस बराबर आएंगे, जिन्हें भी होंगे बराबर पा के लिख देना। तुम आने थर्ड क्वेश्चन पर, ड्रॉ एन आइसोसेलिस ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, ए बी तो बी सी ने जिहड़ियां वह अपने को बराबर होन, तां ऑलसो ड्रॉ इट्स ऑल्टीट्यूड्स, ऑल्टीट्यूड क्या ये यानी शिखर लंब बनाने आपां, सो दूजे का सी पार्ट इत्थे कर लैंदे आ। हाँ जी, आइसोसेलिस ट्रायंगल थले जिन्नी मर्जी लै लो, उस तो बाद अपने कोल, हाँ जी, आ जिहड़ी होएगी अपने कोल इनू कोई नाम दे लैंदे आ आपां ए सी, इहदा खिंचांगे आपां लंब सम दुभाजक। हाँ जी, लंब सम दुभाजक किवें खिंचदे हुंदे आ आपां, ए उत्ते प्रकार रख के कंपस रख के ए सी दे अध तो ज़्यादा कंपस ओपन करके एक आर्क उपर लगा देंगे, एक आर्क नीचे लगा देंगे, फिर ए तो प्रकार नूं चक के सी ते रख लेना, वधानी घटानी नहीं। हाँ जी, एक आर्क उपर एक आर्क नीचे, तो इन्हां दे विच्चों जांदी होई एक आपां लाइन खिंच सकते हैं डोटड लाइन इस तरह, ए हो गया इहदा लंब सम दुभाजक। हुण आ जिहड़ा लंब सम दुभाजक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इहदे उत्ते कितें कोई पॉइंट लैके किते भी कोई पॉइंट लै लो, तो उस पॉइंट नूं ए नाल ते उसी पॉइंट नूं आपां जेकर सी नाल मिला दीए तां इह बन जाएगी अपने कोल इक सम दुभुजी त्रिभुज, यानी कि आइसोसेलिस ट्राइंगल। हाँ जी, हुण इहदे विच उन्होंने कहा कि ड्रॉ इट्स ऑल्टीट्यूड्स, एक ऑल्टीट्यूड तो यही हो जाएगा, इहनूं तुसीं डार्क कर सकते हो लाइन नूं बाद दे विच। हाँ जी, पहला ऑल्टीट्यूड तो यह हो जाएगा, उस तो बाद इहदे बाकी दे जिहड़े ऑल्टीट्यूड ने उहदे लई 90 का एंगल बनाती हुई लाइन खिंचनी है आपां। हाँ जी, इस तरह दूजा ऑल्टीट्यूड हो जाएगा, तो इधरों अपने कोल हो जाएगा तीजा ऑल्टीट्यूड 90 का एंगल बनाते हुए। सो इस तरह उरे अपने कोल आ जाएगा बी, तो ये ए बी तो बी सी बराबर होंगे। सो इस तरह यदा हो जाएगा सी पार्ट अपने कोल दूसरे क्वेश्चन का कंप्लीट। हाँ जी, आने एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन पर हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल, बाहरी कोण यानी कि बाहरला कोण जिहड़ा एक्स है वह आपां पता लगाना हरेक केस दे विच। इहदे लई इक आपां जिहड़ा त्रिभुज का बाहरी कोण का गुण है जिहनूं असीं एक्सटीरियर एंगल प्रोपर्टी कहिंदे आ उह यूज़ करांगे, उह मैं पहलां लिख दिंदा एक्सटीरियर
एंगल प्रॉपर्टी। त्रिभुज दे बारी कोण दा गुण, त्रिभुज दे बाहरी कोण दा गुण ओ की हुंदा है, किसे भी ट्रायंगल दे विच जिहड़ा एक्सटीरियर एंगल हुंदा है बाहरी कोण, ओह मान लो इस ट्रायंगल दा नेम है ए बी सी, तां इत्थे एंगल्स भी ले लैंदे आ 1 2, आ अंदरला 3 ते आ बाहरले नूं ले लैंदे आ 4, तां जिहड़ा 4 एंगल होएगा ओह बाहरी कोण है जिहड़ा, ਉਹ ਅੰਦਰਲੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੋਣ ਨੂੰ 3 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦੇ ਕੋਣ ਨੇ 1 ਅਤੇ 2 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਗਲ 4 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਐਂਗਲ 1 ਪਲੱਸ ਐਂਗਲ 2। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਕੋਣ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਕੋਣ ਬਚਣਗੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਆਫ ਅ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਮ ਆਫ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਅੰਦਰਲੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ ਐਂਗਲ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੋ 40 ਅਤੇ 100 ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 100 ਡਿਗਰੀ ਪਲੱਸ 40 ਡਿਗਰੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 140 ਡਿਗਰੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਐਕਸ ਬਰਾਬਰ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 20 ਡਿਗਰੀ ਪਲੱਸ 30 ਡਿਗਰੀ, ਸੋ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ ਜਾਏਗਾ 50 ਡਿਗਰੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਮ ਦੇ ਇਕੁਅਲ 60 ਡਿਗਰੀ ਪਲੱਸ 60 ਡਿਗਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ 120 ਡਿਗਰੀ, ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਥਰਡ ਦਾ। ਫੋਰਥ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਦਾ। ਸੋ ਐਕਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਲਈ 90 ਡਿਗਰੀ ਪਲੱਸ 30 ਡਿਗਰੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 120 ਡਿਗਰੀ। ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਦਾ ਗੁਣ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬੋਲ ਕੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ। ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਐਕਸ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਸੋ ਫਸਟ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਅਤੇ 40 ਡਿਗਰੀ ਇਹ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣ ਨੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 120 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਦਾ ਗੁਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਇਸ 'ਚੋਂ ਐਕਸ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਆਹ 40 ਇੱਧਰ ਐਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 120 ਡਿਗਰੀ ਮਾਈਨਸ 40 ਡਿਗਰੀ, ਤਾਂ ਐਕਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 80 ਡਿਗਰੀ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਸੈਕਿੰਡ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 90 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਪਲੱਸ 90 ਡਿਗਰੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 135 ਡਿਗਰੀ ਦੇ। ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਜੋ ਆਹ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ 90 ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਐਕਸ 135 ਡਿਗਰੀ 'ਚੋਂ 90 ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਐਕਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 45 ਡਿਗਰੀ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਥਰਡ 'ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਐਕਸ ਪਲੱਸ 80 ਆ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 130 ਡਿਗਰੀ ਦੇ, ਇਹ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਐਕਸ ਬਰਾਬਰ 130 ਡਿਗਰੀ ਮਾਈਨਸ 80 ਡਿਗਰੀ, ਐਕਸ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 50 ਡਿਗਰੀ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਆਖਰੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸ ਪਲੱਸ 25 ਡਿਗਰੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 155 ਡਿਗਰੀ ਦੇ।
पिछे रीजन तुसी ओही दे जाना एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यानी कि त्रिभुज का बारी कोण का गुण ये उधर जाके सबट्रैक्ट होएगा एक्स इज इक्वल्स टू 155 डिग्री माइनस 25 डिग्री तो एक्स आ जाएगा अपने को 130 डिग्री इज द आंसर। हाँ जी हुण आने एक्सरसाइज के फिफ्थ क्वेश्चन ते वाई की वैल्यू है जी आप हरेक केस दे विच फाइंड आउट करनी है। फस्ट दे विच देखते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ही यूज़ होएगी वाई तो वाई जुड़ जाएंगे वाई प्लस वाई ये अंदरले सन्मुख कोण हो गए इक्वल टू होएगा 140 डिग्री पिछे रीजन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पूरा लिख लियो पंजाबी मीडियम वाले लिखणगे त्रिभुज का बारी कोण का गुण वाई तो वाई हो गए दो वाई सामने 140 डिग्री हुण इत्थे दो हो रहा वाई ना मल्टीप्लाई उधर जाके करेगा डिवाइड सो 140 डिग्री ओवर टू कटिंग करके 70 डिग्री आ जाएगा इस दा आंसर अपने कोल। दूसरे ते आ जाने आ दूसरे दे विच वाई दे नाल 90 डिग्री ऐड होएगा यह 90 डिग्री है क्योंकि फिर उही प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पिछे रीजन दे देना है ये उधर जाके सबट्रैक्ट हो जाएगा तो वाई आ जाएगा 160 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल टू हाँ जी 70 डिग्री आ जाएगा इस द आंसर। ये आने तो अपने कोल वाई प्लस 80 डिग्री बराबर हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल है 5y तो हुण की करते हैं आ वाई नू उधर भेज दिंदे आ 80 डिग्री बराबर 5y इधर वाई ऐड हो रहा उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 80 डिग्री इज इक्वल्स टू 4y तो 4 इतने वाई ना मल्टीप्लाई होंगे इधर करूँगा आके डिवाइड 80 डिग्री ओवर 4 बराबर वाई हाँ जी कटिंग हो जाएगी 20 ते तो इतों वाई आ जाएगा 20 डिग्री इज द आंसर अपने को। स्टूडेंट्स इस दे नाल ही एक्सरसाइज 6.1 होंगी है कंप्लीट। मैंने उम्मीद है जेडे आपां इह क्वेश्चन सोल्व किए ने तुहानूं चंगी तरह समझ आ गए होणगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम होए तो तुसीं मैनूं कमेंट करके या वट्सएप के थ्रू पूछ सकते हो। वीडियो चंगी लगी होई तो इसनूं लाइक जरूर करना ते अपने होर फ्रेंड्स ते स्टूडेंट्स दे नाल शेयर भी कर देना।